ये देखिए मेरा हल्दी का डिब्बा कैसे कर भोजन करने जाएगी। ये क्या भोजन करेगी बता ना। नहीं पता। जानती है बता। बता। हेलो दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरे चैनल क्यूट मिशी फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सस्ता और मस्त होंगे। तो चलिए आज एक नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर ब्लॉग को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं कितना सारा तेल डाली हूँ बाल में, खूब सारा लगाई हूँ। अभी धोई नहीं हूँ, धोऊँगी जो है। और मिश्री के पापा अभी क्या कर रहे हैं चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए साफ सफाई कर रहे हैं फिर से। ये देख पूरा ये पौधा जो है ना दोस्तों, मैं लगाई थी। ये तो तुलसी का है, ये है बैंगन का, ये सेमी का, और फूल वगैरह भी लगाई थी। और ये देखिए ये कद्दू है, और ये बैंगन है, और उस पर लौकी था, 4 पौधा था लौकी का। और ना ये कितना अच्छा खिल रहा था। उस समय रोज़ पानी देती थी, साफ़ सफाई यहाँ पास को करती थी, पूरा को तो नहीं करती थी, पर जितना में लगा है उसी को, उसका जो भी रहता था घास वास उसको साफ़ कर देती थी ना। तो एकदम मतलब फैल रहा था, अच्छा हो रहा था। लेकिन मैं ना चली गई तीज में अपने मायके, उसके बाद में बीमार पड़ गई, तो फिर इसका देख रेख नहीं हो पाया। तो ये देखिए मुरझा गया है पूरा, तो इसीलिए मैं बोली हूँ कि इसको थोड़ा सा साफ़ कर दो जी करके। तो मिस्त्री के पापा भी कर रहे हैं। इसमें लौकी में सिर्फ एक ही पौधा बचा है, 4 था। और यहाँ पास तरोई, ये देखिए तरोई, ये भी मुरझा गया है। इसके लिए यहाँ रस्सी बांध के इसको फैलाएंगे करके इसको बंधवाई थी, पर मैं चली गई तो वो भी नहीं हो पाया है ना जी। मिस्त्री के पापा ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अब फिर से अब मैं आ गई हूँ, तो और तबीयत भी ख़राब था तो ठीक हो गया है, इसीलिए फिर से ध्यान देंगे तो बढ़ेगा थोड़ा। अब फूल में फूल के पौधा में फूल भी आएगा। ये देखिए ये भी मुरझाया जैसा दिख रहा है। देखिए ये भाजी है, वही वाला भाजी, लेकिन अभी ये ना बरसात के कारण इसमें पत्ता इसका अच्छा नहीं है। वो हमारा मुनगा का पेड़, कुछ बोलना चाहते हो? हाँ? कुछ बोलना चाहते हो? अजी सेमी में ढेखरा लगा दो ना। हाँ? हाँ। बड़े बड़ा होगा ना वो, फैलेगा, देखो ना छोटा सा है। इसके लिए कुछ देखूंगा ना, क्या चीज को करूं, इसी को देखूंगा, कर देता हूं इसको। तो इसमें तो दिमाग लगा हुआ है, दे दिमाग सब जगह हो जाएगा, तो वहाँ हो जाएगा पूरा कुछ। यदि ये सब काटा वाटा का कुछ तोड़ ताड़ के कर देना ना। साफ सफाई करूंगा तो निकलेगा, उसी को डाल दूंगा उसमें। हो काटोगे तो? तो दोस्तों अभी मिस्री आ गई है स्कूल से, और ये बदमाशी कर रही है, उसके पापा नहा रहे हैं, उनको परेशान कर रही है। इधर आ, नहा के तैयार हो गई, कैसे नाच रही है देखो। कहाँ जाने के तैयार हुई है मिश्री? राधा दीदी के घर। क्यों? भोजन करने जाएगी। ये क्या भोजन करेगी बता ना। नहीं पता। जानती है बता। बता। बता नहीं तो फिर मैं नहीं भेजूंगी। बता। नहीं बताओ। कन्हैया भोजन। आप बोलियो, मैं नहीं बोलियो फ्रेंड। ऐसी बोलती है दोस्तों, ये कन्हैया भोजन करूंगी बोलती है। बोलियो। बोलने नहीं जानती। बन गई, चला रेडी कर दूं, फिर जाना, चला जल्दी, फिर पापा नहाएंगे, फिर हम लोग खाना खाएंगे, भूख लग रहा है, तू भी जाना खाना खाने। चल चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए मिश्री हो गई रेडी, अब जाएगी जिधर रह गई है, और चले जाएगी ना वहाँ से दुकान जाने के लिए, जैसे मुड़ती है ना वैसे जाना, फिर ऐसे किनारे किनारे चले जाना। छोड़ दी, छोड़ने आना पड़ेगा क्या? गेट तक जाना पड़ेगा। चले जाएगी
आऊ, चल चल मत खेल गाड़ी में, चल। हाँ मैं बहुत गंदी हूँ ना? नहीं हूँ। हूँ तो चल जा। तू गंदी की बेटी है, चल जा। देख के जाना, कुत्ता उत्ता रहेगा तो किनारे से चले जाना है, डरना मत। और गाय वाय रहेगा तो भी जा। और आते समय भी वैसे आ जाना ना, वहीं से पार कर लेना और फिर इधर किनारे किनारे आ जाना। हाँ जा, जल्दी जा। दौड़ के जाऊँ क्या बोलती है। दोस्तों मेरा कपड़ा सूख गया है आज, जल्दी से नहा ली थी तो कपड़ा वपड़ा सूख गया है, निकाल लेती हूँ। दोस्तों इसका वो मंगवाए थे हम लोग कवर, कपड़ा इसको पहनाए थे तो पानी में ना ख़राब हो गया, वो फट गया तो इसको फेंकना पड़ा। अरे गेट को बंद नहीं की हूँ मैं, कल गाय घुस गया था, बिजली बिल वाला आया था बिजली रीडिंग करने के लिए, फिर बिजली बिल दे के गया है और फिर खोल के चला गया था तो गाय घुस गया था। ये देखिए ये भी निकल गए नहा के, मेरा कपड़ा सूख गया। आज बादल बादल है, बारिश होगा लग रहा है। हो जाता है बारिश, बहुत दिन हो गया नहीं हुआ है। नवरात्रि में होगा ना। ये देखिए दोस्तों मिश्री आ गई, हम लोग भी खाना खा के जस्ट उठे हैं, मैं उठी हूँ अभी, इसे पापा खा ही रहे हैं। आ गई रे, बहुत जल्दी आई, बहुत जल्दी आ गई। अरे बाप रे, पैसा पाई है मिश्री। ये देखिए इसके पापा भी खा ही रहे हैं, अब मैं खा के उठ गई। क्या क्या बना था, क्या क्या बताना रे, क्या क्या खाई? पूरी। हाँ पूरी, सेवई। सेवई और चना। चना की छोले, छोले छोले था। हाँ और भत्तू, और भत्तू नहीं था। और पापड़, पापड़ था। हाँ और बस बस मजा आया खा के। पैसा पाई, वाह भाई, चल ठीक है। वो खेलने जा रही है दोस्तों, जल्दी आना। और ये देखिए कैसे सोए हैं। पैसा तो कोई को छूने मत देना। कौन छुएगा तेरे पैसा? जाओ ना जिस पर सोना। लाइट गोल हो गया है दोस्तों, देखिए पंखा भी नहीं चल रहा है, कैसे लाइट गोल कर दे रहा है इस बार। मिश्री पापा ना। जाओ उस पर सोना। हाँ ना। तो दोस्तों अभी हो गया है शाम, शाम के बज रहे हैं 5:05 हो गया है और हम लोग अभी जा रहे हैं क्योंकि घर में राशन ख़त्म हो गया है। चावल और लेके आएंगे, चावल दाल मसाला वगैरह सब ख़त्म हो गया है। इस महीना नहीं भरे थे, पिछले महीना भी हम लोग नहीं भरे थे शायद, तो वो पूरा ख़त्म हो गया है। इस महीना दोस्तों जब मैं आई ना वहाँ से, जब आई तो पूरा ना चूहा इतना बर्बाद किया था, पूरा जितना भी मसाला मिर्ची का जो डब्बा था ना कुतर कुतर के पूरा बर्बाद कर दिया है। कुछ भी नहीं है मेरे किचन में, एक भी डिब्बा नहीं है मसाला मिर्ची वाला। चलो आप लोग को दिखाती हूँ, तो मेरे को लग रहा है डिब्बा भी खरीदना पड़ेगा। चलिए दोस्तों दिखाती हूँ आप लोग को, ये देखिए इसमें रखती थी मैं मसाला मिर्ची, इसमें जो मसाला डिब्बा है वही बस रखाया है और फिर कुछ नहीं है। देखिए ऊपर भी थोड़ा सा अचार बचा है और कुछ नहीं रखाया है क्योंकि सब कुछ ना मेरा इसमें रखाया है, जो जो बच गया था। देखिए कितना सामान बचा है, ये देखिए इसमें क्या है, इसमें शायद कुछ है, ये बच गया था, इसको भी काट रहा था दोस्तों, दिखाती हूँ। ये देखिए ये दे, ये भी इसको भी काट रहा था और आई हूँ ना तो बीमार पड़ गई थी तो और कुछ भी ध्यान नहीं दे पाई। और ये शक्कर का डिब्बा है, ये बच गया। ये चावल है, थोड़ा सा चावल है इसमें बड़ा वाला बासमती का, और इसको भी काट डाला है
तो इसको इधर रखी हूँ, ऊपर को ढक्कन को काटा है, तेल को मत काट दे करके तेल को भी ऊपर रख दी हूँ। बस इतना ही डब्बा बच गया है दोस्तों, फिर कुछ नहीं है। चाय पत्ती वगैरह सब का काट दिया है क्योंकि इसमें ना नहीं चढ़ सकता। ये देखिए ये देखिए ये देखिए मेरा हल्दी का डिब्बा कैसे कर दिया है। ये हल्दी का डिब्बा है मेरा, पूरा काट दिया है। मिर्ची धनिया कुछ नहीं बचा है दोस्तों, सबको गिरा दिया है काट के। ये तो बच गया, मैं जब आई ना तो ये थोड़ा सा देखी इधर उधर को तो बच गया, नहीं तो फिर ये भी चले जाता। उसमें हल्दी था और फिर कुछ नहीं है अभी, तो चलिए फिर चलते हैं। हो गया तो दोस्तों चलो मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। यह व्लॉग यहीं तक रखते हैं, कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग के घर में भी चूहा ऐसे बदमाशी करता है, ऐसे नुकसान करता है, ज़रूर बताना। और फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।